नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के केमिस्ट्री के रिमेनिंग सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से यूपी बोर्ड ने 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया, जिसकी वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, उसे आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका 70% रिमेनिंग सिलेबस बचता है, उसको हम देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपकी यूनिट 1 सॉलिड स्टेट, जो आपकी 5 नंबर की आएगी, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, ये आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको मॉलिकुलर सॉलिड, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका अमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लैटिक्स, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद पैकिंग इन सॉलिड्स, ये पढ़ना है। उसका पैकिंग इफिशियंसी, ये पढ़ना है आपका। उसके बाद बॉयड्स पढ़ना है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक सेल यूनिट सेल, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट डिफेक्ट्स, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जो आपकी 7 नंबर की आएगी, और इस यूनिट का नाम है वो है सॉल्यूशंस। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ना है। उसके बाद राउल्ट्स लॉ पढ़ना है। उसके बाद आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये पढ़ना है। उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है उसको। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज यूजिंग कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3, जो आपकी 5 नंबर की आएगी, और इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें आपको देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका रेडॉक्स रिएक्शंस, उसके बाद ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको पढ़ना है। उसका नर्स्ट सर्क्यूलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, ये आपको पढ़ना है। चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये भी आपको पढ़ना है। पूरा टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी और उसका चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ये पढ़ना है। उसका स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका कोलराउस लॉ, लास्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, जो आपकी 5 नंबर की आएगी। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका रेट ऑफ ए रिएक्शन, इसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये टॉपिक उसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें के अंतर्गत आपका कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ये आपको पढ़ना है। रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ना है आपको, एंड हाफ लाइफ, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें केवल आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री, जो आपकी 5 नंबर की आएगी। देख लेते इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका एडसॉर्प्शन में आपका एडसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन आपको पढ़ना है। उसका फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद कोलाइडियल स्टेट पढ़नी है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है। उसका कोलाइड्स एंड सस्पेंशन पढ़ना है। उसके बाद आयनोफिलिक और आयनोफोबिक पढ़ना है आपको। उसके बाद मल्टी मॉलिक्यूलर एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स आपको पढ़नी है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ए कोलाइड्स पढ़नी है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट पढ़ना है आपको, ब्राउनियन मूवमेंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है आपको। उसके बाद कॉन्गुलेशन आपको पढ़ना है। तीनों टॉपिक आप इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट सेवन की बात करेंगे हम। तो यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट, जो आपकी 7 नंबर की आएगी। तो इसमें आपके ग्रुप 15 एलिमेंट में आपको जो टॉपिक पढ़ने वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद आपको नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ने हैं। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, ये आपको टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, तो आपका इसमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसके अक्रेंस, उसके बाद ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। उसके बाद डाइऑक्सीजन प्रिपरेशन पढ़नी है उसकी, और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़नी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स ये पढ़नी है। उसके बाद ओजोन, सल्फर,
एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ये पढ़नी है आपको। उसके बाद कंपाउंड ऑफ सल्फर, इसके अंतर्गत आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी आपको प्रॉपर्टी एंड यूजेस पढ़नी है और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पढ़नी है, केवल स्ट्रक्चर्स की पढ़नी है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद कंपाउंड ऑफ हैलोजन्स और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनकी आपकी तीन टॉपिक, मतलब प्रिपरेशन तैयार मतलब उसकी निर्माण विधि, गुण और उपयोग, ये आपके क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पढ़ने हैं। इसके बाद आपको इंट्रा हेलोजन कंपाउंड पढ़ने हैं, ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप ग्रुप 18 में, तो ग्रुप 18 में देखेंगे आपका जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो आपका 4 नंबर का आएगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपका जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसके बाद अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, उसके बाद जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, उसके बाद उसमें आपको मेटेलिक करेक्टर, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयनोरेडियाई पढ़नी है आपको, उसके बाद कलर, उसके बाद आपका कैटलिस्टिक पढ़ना है, कैटलिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद इंडस्ट्रियल कंपाउंड पढ़ने और अलॉय फॉर्मेशन, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद लैंथेनॉइड्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट्स एंड लैंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आपको 6 नंबर का आएगा, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आपका इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका IUPAC नोमोकल्चर ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके बाद आपका बॉन्डिंग, बॉन्डनेस थ्योरी और BBT एंड CFT, इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 10 हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स, इसमें आपको जो आपकी 5 नंबर की आएगी, इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हेलो एल्किन्स में आपका नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट हेलो एरिन्स में आपको देखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे यूनिट 11 एल्कोहल फिनल एंड ईथर्स, जो आपके 5 नंबर की आएगी, इसमें देखते हैं एल्कोहल्स में आप नोमोक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्राइमरी एल्कोहल्स ओनली, उसके मतलब प्राइमरी एल्कोहल होते हैं उनके बारे में केवल आपको इतना टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, आपको ये टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप फिनल्स में देखेंगे, इसमें नोमोक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या यूजेस ऑफ फिनॉल्स, इतने टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ईथर्स की, तो ईथर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, नोमोक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 12, इसमें आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपका 6 नंबर का आएगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में नोमोक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनियल ग्रुप, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लिक एडिशन, उसका रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स और इसके यूजेस, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको नोमोक्लेचर, नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये आपको इसमें टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 13 की एमीन्स, तो एमीन्स में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, ये टॉपिक में इसमें आप जो 4 नंबर का आएगा, इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले एमीन्स, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद यूजेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 14 बायोकेमिकल्स, तो इसमें बायोकेमिकल्स जो 6 नंबर का आएगा, इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंतर्गत आपको क्लासिफिकेशन, इसमें
एल्डोसिस एंड कीटोसिस, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज पढ़ने है, उसका डीएल कॉन्फ़िगरेशन में आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स में एलिमेंट्री आईडी ऑफ एमीन्स एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़नी है, उसका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स ये आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड्स में आपका डीएनए एंड आरएनए आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये था आपका 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना है जो आपके कोर्स में अभी आएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों नोट डाउन करना है तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।